अदाकारा पायल रोहतगी हमेशा अपने बयान के कारण सुर्खियों च रहती है। पायल रोहतगी ने हुण फिर तो स्टार किड्स नूं निशाना बनाया ते उन्होंने ओलंपिक च मैडल जेतुआं की खूब तारीफ की। पायल रोहतगी ने कहा कि किसान के बच्चे देश का नाम रोशन करना चाहते हैं पर सुपरस्टार्स के बच्चे सिर्फ अपना नाम ही बनाना जानते हैं। वो अपने घरद्या के नाम तो सिर्फ फिल्मा ही कर सकते हैं। कोई भी स्टार किड किसी स्पोर्ट्स के भाग नहीं लैंदा ताकि वह मैडल जीत के देश का मान वधा सके और सिर्फ फिल्मा करके सुपरस्टार ही बनना चाहते हैं। रोहतगी, अगर एक तरफ भारत के किसान हैं तो दूसरी तरफ भारत के सुपरस्टार्स हैं। भारत के किसानों के बच्चों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया मेडल्स जीतकर। नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, रवि कुमार धैया, इन सब ने मेडल्स जीते और ये सब किसानों के बच्चे हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि भारत के सुपरस्टार्स जिनके पैर छुए जाते हैं, जिनका ऑरा इतना बड़ा होता है कि लोग उनको देखने आते हैं और उनके बच्चों को आसानी से ब्रेक्स मिल जाती है क्योंकि वो सुपरस्टार्स के बच्चे हैं। ये सुपरस्टार्स के बच्चे भारत का नाम कभी भी कोई ओलंपिक गेम में जाकर हिस्सा लेकर रोशन नहीं करते। ये ऑब्वियसली अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं उनके नाम द्वारा पिक्चर लेकर। तो भारत के सुपरस्टार्स के बच्चे भारत का नाम रोशन नहीं करते, वो अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। और दूसरी ओर भारत के गरीब किसानों के बच्चे भारत का नाम रोशन करते हैं ओलंपिक्स में मेडल जीतकर। और ये जीत का उदाहरण हम आज इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में देख रहे हैं, मगर इस जीत के पहले कड़ी सालों की मेहनत और संघर्ष होती है जिसके बारे में हम नहीं जानते। जीत के बाद हम उनके नाम जान लेते हैं, मगर भारत के किसान ही है जो ज्यादातर हरियाणा के होते हैं जिनके बच्चे मेडल्स लेके आते हैं भारत के लिए ओलंपिक गेम्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में। मगर दूसरी ओर आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई भी सुपरस्टार का बच्चा खिलाड़ी बन रहा है। सुपरस्टार का बच्चा सुपरस्टार बनना चाहता है, वो कभी कोई खेल में हिस्सा नहीं लेता, कभी खिलाड़ी बनने की उसकी एम्बिशन नहीं होती। उसकी एम्बिशन होती है सिर्फ बॉलीवुड का सुपरस्टार बनने की, जैसे उसका माँ बाप है। सो दिस इज द आयरोनिकल सिचुएशन, बिकॉज देश का नाम रोशन करता है किसान का बच्चा, मगर देश अहमियत देता है सुपरस्टार को ना कि किसान को, विच इज वेरी वेरी आयरोनिकल एंड डिसअपॉइंटिंग। मैं इतना ही कहना चाहूंगी भारत के सुपरस्टार्स को, मैं किसी से निजी दुश्मनी नहीं रखती, मगर भारत के सुपरस्टार्स गुटखा को प्रमोट करते हैं। अजय देवगन हो, शाहरुख खान जी हो या सलमान खान, ये सब गुटखा और पान मसाला के एड को प्रमोट करते हैं। क्या आप अपने बच्चों को गुटखा पान मसाला खाने को बोलेंगे? आई हैव नो निजी दुश्मनी विद यू, यू नो दैट, मगर एक नॉर्मल सवाल, आप लोग पैसों के खातिर पान मसाला को प्रमोट करते हैं तो क्या वही पैसों से आप वो पान मसाला घर पर लाकर अपने बच्चों को खिलाएंगे? क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट मॉरल एथिक्स एंड दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस विद यू। बिकॉज भारत के अंदर सुपरस्टार्स पान मसाला गुटखा बेचते हैं, उनके बच्चे कभी भी भारत का नाम रोशन करने का नहीं सोचते, खुद का नाम रोशन करने का सोचते हैं। और दूसरी ओर किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उनकी वजह से हमें अनाज मिलता है और उनके बच्चे संघर्ष करके भारत का नाम रोशन करते हैं ओलंपिक्स में मेडल जीत के।